बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्विक फूड। आज हम अपने किचन में बनाएंगे पोटैटो स्टिक्स पॉप्स। अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, पोटैटो स्टिक्स पॉप्स जो हैं ये बड़े अच्छे बनते हैं, बड़े मज़े के। एक हमने बनाया, अब आपको बना के बताते हैं कि इसको कैसे स्टिक में लगाना है, आपने कैसे परोना है। पोटैटो का ना छिलका आपने अच्छी तरह उतार लेना, आलू का छिलका उतार के देखें पीसेस की शक्ल में इसको ऐसे हमने काट लिया है। अब दो स्टिक्स आपने लेनी है, दोनों साइडों में इसकी स्टिक्स जो है पीस के रख लेनी है, और फिर इसको ब्रीक ब्रीक जो है आपने कट करना शुरू करना है, स्टार्ट से ऊपर से ऐसे ब्रीक ब्रीक आपने कट करना है इसको। ऐसे ही आपने इसको सारे को काट लेना पीसेस में। देखें स्टिक्स को आपने बिल्कुल साथ रखना है, इससे आपकी कटिंग की जो शेप है वो बिल्कुल ठीक आएगी। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही इसको स्टिक रख के कटिंग करेंगे। मेक श्योर के दूसरी तरफ से आपने इसको टकोन काटना है कोने की तरफ, दोनों तरफ से कटिंग करके आपने पीस को हाथ में उठाना है और देखना है ऐसे। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी शेप बन रही है, अच्छी तरह ये कटिंग हो चुका है। अब इसको स्टिक के अंदर जो है वो परो लेंगे, नीचे रख के जो है सेंटर से स्टिक जो है इसमें कर लेंगे अपना आलू ऐड। स्टिक में ऐड करने के बाद इसको हाथों से ऐसे जो कटिंग की है हमने उसको खोल लेंगे, तो ये बड़ा प्यारा फूल सा बन जाएगा। देखें नहीं माशाल्लाह खोल के कितना प्यारा फूल बन गया। अब इस पर अपने इंग्रेडिएंट ला के इसको फ्राई कर लेंगे। ऐसे ही आपने जो आपके बाकी आलू के पीसेज हैं उनको ऐसे बना लेना स्टिक के अंदर, वो बना के आपको दिखाते हैं और फिर फ्राई करते हैं। देखें नहीं माशाल्लाह पोटैटो स्टिक पॉप्स जो है हमारे रेडी हो गए हैं, काट लिए हमने सारे। अब इनको करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए हमने एक बॉल ले लिया, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून मैदा, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्ची और 1/2 टीस्पून जीरा। इसमें अपना हसबे जरूरत पानी डालेंगे और पेस्ट बना लेंगे, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा थिक हो, उस हिसाब से आपने पेस्ट बना लेना। पेस्ट हमारा रेडी हो गया, देखें जी इस शेप में आपने बना लेना। इधर चूल्हा हमने चला लिया, ऑयल गर्म होना रख दिया। अब इसको फ्राई करेंगे, एक अपनी स्टिक जो है पकड़ेंगे उसको चम्मच की मदद से ऐसे ऊपर इसके वो लगाएंगे जो हमने बना लिया पेस्ट। अगर आप चाहें तो मिक्सचर में डिप भी कर सकते हैं, वरना आप चम्मच की मदद से लगा लें, ये थोड़े बड़े हैं बॉल में आ नहीं रहे। दो स्टिक्स को हमने लगा लिया है, इससे बड़े क्रिस्पी बनेंगे आपके। इसको डाल देंगे फ्राई होने के लिए पैन में, ऐसे ही जो दूसरे को लगाया उसको भी डाल देंगे। तकरीबन 1-1.5 मिनट के बाद आप इसकी साइड चेंज करेंगे, देखेंगे कि दूसरी तरफ से ज़्यादा जो है वो कुक ना हो जाए। देखें जी अब हमारी स्टिक्स जो है बिल्कुल रेडी हैं, ये गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गई हैं। अब इसको निकाल लेंगे, ऐसे ही अपनी दूसरी फ्राई कर लेंगे, फिर इनको डिश आउट करेंगे और खाएंगे। अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा, उनको बहुत पसंद आएगी, बड़ी बजट सी रेसिपी है ये। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखें जी पोटैटो स्टिक पॉप्स जो हैं हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इनको डिश आउट कर लेंगे। इसके ऊपर केचप और मायनेज, चाट मसाला और ऑरिगैनो वगैरह डाल के इसको ट्राई करेंगे। अब इस पर डाल लेंगे मायनेज, देखें जी ऐसे आपने मायनेज डाल लेनी है इस पर। मायनेज के बाद केचप ऐड कर लेंगे, देखें जी मुंह में पानी आ रहा है। थोड़ा सा इसके ऊपर छिड़काव कर लेंगे ऑरिगैनो का, ये आ भी नहीं रहा देखें, ऑरिगैनो डाल लेंगे इसके ऊपर। अब टेस्ट करेंगे कैसे बने हैं हमारे स्टिक्स पॉप्स। टेस्ट करेंगे, आप चाहें तो इसकी बाइट ले लें, वरना आप हाथ से भी उतार के खा सकते हैं, बड़ा सॉफ्ट बना है ये माशाल्लाह जी। पोटैटो पॉप्स स्टिक जो है हमारे बहुत अच्छी बने हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को बना के दीजिएगा, उनको बहुत पसंद आएंगे। टिफिन बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ अगेन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।